न्यूज ऑफ द वीक के बाद आउट ऑफ द बॉक्स में अब बढ़ते हैं आगे 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 मत जाना यार भाई, आगे कैमरा लगा गिर जाओगे। आगे कैमरा रखा हुआ है इसीलिए तो फुटेज लेना है मुझे, पता है आपको पता ही है बिग बॉस। लेकिन बता क्या काम है यार आयाज भाई, एक प्रॉब्लम है। देखो मैं ना ये फोन बेचने वाला हूँ, अब मेरा ये डाउट है कि अगर मैं ये फोन बेच दूंगा और मैं इसको फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ तो क्या सच में सारा डेटा चला जाएगा? मतलब मेरे बैंक अकाउंट जो वो मेरे लाखों करोड़ों रुपए जिनको काई लग रही है, तेरे फोटोज सब सब यार वो सब उड़ जाएगा ना, पक्का उड़ जाएगा ना। उड़ तो जाएगा लेकिन वो फोन में फिर भी रहेगा। क्या बात कर रहे हो यार, ये कुछ तरीका बताओ ना इसका हटाने का। तू वहां बैठ, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पुराना फोन जब हम बेचते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं तब हम एक गलती करते हैं, शायद जो प्रशांत भी कर रहा था, जिससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो फोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे ताकि सारा पर्सनल डेटा, फोटोज, वीडियो, चैट्स, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं फोन से वो डिलीट हो जाए और इनको कोई एक्सेस ना कर पाए। बट आप अगर फोन को फॉर्मेट करने के बाद, रीसेट करने के बाद, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ये सोचते हो कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाता है, अब कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो भाई ऐसा नहीं होता। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी कोई भी आपका डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो सारा डेटा है वो वापस निकाल सकता है। तो ऐसा क्या करें कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी कोई भी आपका डेटा किसी भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से निकाल ना सके? तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, फोन रीसेट करने से पहले आप अपने फोन में कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करो जिससे फोन में मौजूद जंक फाइल्स जो रिमूव हो जाए। आप प्ले स्टोर पर जाके जंक रिमूवल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फोन में। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाना और अपने सारे जो अकाउंट्स है, लाइक गूगल अकाउंट है, फेसबुक का है, ये सब अकाउंट जो उसको रिमूव कर देना वहां से। इसके बाद आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करना और फिर दोबारा से अपने फ़ोन में आपको जंक फाइल, जैसे कि कुछ मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हुए, कुछ भी डेटा जो आपसे रिलेटेड ना हो वो ट्रांसफ़र कर लेना, फ़ोन में डाल लेना। और ये करने के बाद आप दोबारा से फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना, एक बार पहले कर चुके हो एक बार आप करना। अब अगर आपका फ़ोन किसी के पास जाता है और वो कोई डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से आपका डेटा रिकवर करना चाहता है तो उसके हाथ सिर्फ जंक फाइल्स रहेंगी जो आपने बाद में डाली फ़ोन में। सो आप फ़ोन बेचने से पहले ये काम ज़रूर करना।